क्वेश्चन 2000 का सवाल है इट से ब्रेक ऑफ मास 2 के जी टू स्लाइड डाउन ऑन अ प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 फाइव डिग्री विद द ऑरिजोंटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी हमारे चार ऑप्शन है 19.6 पॉइंट सिक्स साइन फोर्टी फाइव नाइनटीन पॉइंट सिक्स कॉस फोर्टी पॉइंट एट साइन फोर्टी या फिर 9.8 पॉइंट एट कॉस फोर्टी बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है बहुत सिंपल सवाल है लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जिन लोगों के फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं वही इसका सही जवाब देते हैं और अक्सर इस सवाल के ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ रहते हैं क्लास में तो कई बार इस सवाल के ऊपर दंगे होते हैं ठीक है कि सर इसका आंसर यही क्यों है दूसरा आंसर क्यों नहीं बहुत सिंपल सवाल है इस सवाल को पहले 45 एंगल ना दे के कोई थीटा एंगल की बात करते हैं सो से फॉर एग्ज़ाम्पल ये हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए ये आपका थीटा एंगल है ये आपका ब्लॉक है और ये थीटा आर है थीटा आर है आपका एंगल ऑफ रिपोज होता है जिसके ऊपर आपका कोई पार्टिकल जस्ट तो बिगन टू तो स्लाइड है सो से फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले भी डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है सो से फॉर एग्जाम्पल ये आपका इंक्लाइन प्लेन है और इसको ऐसे यूज करते हैं कि मान लीजिए हालाइन ये आपकी ऑरिजोनटल सर्फेस है इस ऑरिजोंटल सर्फेस के ऊपर ये ब्लॉक रखा हुआ है अब हम इसका धीरे धीरे करके एंगल बढ़ाते हैं तो जैसे जैसे हम इसका एंगल बढ़ाएंगे एक सर्टेन एंगल की वैल्यू आएगी इसको हम ऐसे रखें इस एंगल पे ये ब्लॉक आपका अप, अपने आप अपने वजन की वजह से स्लाइड करने लगा है इस एंगल को हम एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं इसको थीटा आर से हम डिनोट करते हैं सो so, जब हम इस एंगल की बात कर रहे हैं तो मान लीजिए ये आपका थीटा आर है जो कि आपका एंगल ऑफ रिपोज है इस पर ब्लॉक आपका मूव करने लगा है इस केस में थीटा आर के ऊपर हम लिखते हैं आपका जो फ्रिक्शन फोर्स होएगा आ, उसको आप लिखोगे एम जी साइन ऑफ थीटा आर बिकॉज इस केस में ब्लॉक जस्ट मूव करने लगा है यहाँ पे सो so अगर इसकी वैल्यू रखेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स हो गया एम की वैल्यू रखी आपने टू के जी दिया हुआ है मल्टीप्लाइड बाय नाइन पॉइंट एट और मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ थीटा आर सो एफ की वैल्यू इस केस में आ गई नाइनटीन पॉइंट सिक्स साइन ऑफ थीटा आर अब इस केस में क्योंकि हमें थीटा आर की वैल्यू फोर्टी फाइव दी हुई है इसलिए इसकी वैल्यू साइन फोर्टी फाइव रख देंगे वन बाय रूट टू आ जाएगा कुछ स्टूडेंट यहाँ पे कहते हैं कि सर ऑप्शन नंबर बी में भी तो जब हम कॉस्ट 45 की वैल्यू रखेंगे तो उसकी वैल्यू भी तो वन बाय रूट टू ही आएगी श्योर आई एग्री वन बाय रूट टू ही आएगी लेकिन इस केस में साइन 45 एंगल था इस वजह से वैल्यू सेम आ रही है अगर ये एंगल थर्टी डिग्री होता तो साइन थर्टी और कॉस थर्टी अलग अलग आते आपका आंसर साइन फोर्टी फाइव या साइन थीटा आर होना चाहिए दैट शुड हैव बीन टेक्निकली या फिर फंडामेंटली कॉन्सेप्चुअली मोर करेक्ट आंसर सो बेस्ड ऑन दिस हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट चॉइस